Welcome to the Medics Pip Point. Don't forget to like and subscribe and to get more such videos and material. You can contact us at this number mentioned over here 0326559 0305. तो आज हम लोग देखेंगे एम डी गेट 2022 के फिजिक्स के पेपर में पूछने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी एम सी क्यूज, जिनको हम समझ के विद हेल्प ऑफ यूजिंग सम वेरी सिंपल ट्रिक्स बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. इफ ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन है. टेंजेंटियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल. टेंजेंटियल वेलोसिटी मीन्स वी है, ये क्या हो गई है, 2v हो गई है, डबल हो गई है. उसके बाद हमें बताना है अब जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कितनी होगी. डबल होगी, 1/2 होगी, 4 times होगी या फिर 1/4 होगी. तो हमें पता है कि सर्कल में ऑफ कोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या आएगा फॉर्मूला, एफ सी इज इक्वल टू जो ओरिजिनल का mv स्क्वायर बाय r. ठीक हो गया. जो न्यू वन हमें फाइंड आउट करनी है, हमें उसमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस द ओरिजिनल वेलोसिटी विद द डबल ऑफ वेलोसिटी. जैसा कि पहले मेंशन किया गया था कि वेलोसिटी क्या होगी, ये डबल होगी, डबल मींस 2v होगी. इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, इसका 2v का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4v². तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी अपनी पहले वीडियोस में कि इस तरह वाले जो एमसीक्यूज होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इनमें हमें क्या करना होता है, लाइक जो हमारा एक मेन फार्मूला है, मेन जो चीज़ है उसको हमने सेपरेट कर लेना और बाकी जो सारी चीज़ें उनको हमने सेपरेट सेपरेट. तो ये जो एम वी स्केयर बाय आर है, अगर हम गौर करें तो ये तो हमारे पास एफ सी ही बन रहा है. हमारे पास जो ओरिजिनल हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स थी वही बन रही है. जस्ट जो फोर है वो चीज़ एक्स्ट्रा, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, बाहर हम इसको लिख लेंगे. तो हमारी जो न्यू सेंट्रिपिटल फोर्स है आफ्टर डबलिंग द टेंजेंटियल वेलोसिटी वो कितनी है, दैट इज 4 times. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. उन्होंने कहा है जी विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी. ऑलराइट, फोटोन मतलब कि उन्होंने हमें लाइट के जो है ना डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से किस लाइट का जो फोटोन उसकी ज़्यादा एनर्जी हमें किस तरह पता होगा. बट इट इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक फॉर यू पीपल कि जब इस तरीके से पूछा जाए उन्होंने हमें सिर्फ सिंपली डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं तो हमें क्या करना होगा. इस तरीके से हमने पढ़ा था ना विबग्योर, ये क्या है, एक सीक्वेंस है जो कलर्स का ऑफ आर विजिबल लाइट. याद रखना है कि जो वॉयलेट वाला एंड है यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, और जैसे जैसे हम इस एंड की तरफ मूव करेंगे एनर्जी कम हो जाएगी. ठीक है, कम कम कम, और सबसे कम यहाँ पे लोएस्ट होगी रेड की एनर्जी. तो जब उन्होंने हमें सिर्फ कलर्स दिए हो तो हम इनको इस सीक्वेंस में अरेंज करके हम देख सकते हैं. ठीक हो गया, तो वॉयलेट की क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी. उसके बाद उन्होंने हमें कौन से कलर्स दिए हुए, ब्लू, ठीक है, ग्रीन और रेड. उससे कम किसकी है, ब्लू की, उससे कम ग्रीन की, और सबसे कम यहाँ पे किसकी है, रेड की. लेकिन उन्होंने तो हमसे सिर्फ ये पूछा ना कि हाइएस्ट किसकी है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो वो हम बता देंगे कि सिंपली वॉयलेट है क्योंकि ये इस एक्सट्रीम एंड पे आ रहे हैं हमारे पास. ठीक हो गया, इस ट्रिक को आपने यूज़ करना है, यू कैन वेरी सिंपल एंड ईजिली सॉल्व एम सी क्यूज करेक्टली. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. इफ यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0. ऑलराइट, ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है 0. हाउ फार विल इट फॉल, हाउ फार क्या मतलब, हमें फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस, ये कितनी दूर जाके गिरेगा इन द टाइम टी. टाइम भी हमारे पास है टी. अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला जब हमारे पास होती है ना गिवन कंडीशंस, हमने अपने माइंड में थोड़ा सा रिमाइंड करना होता है कि इन सब कंडीशंस को माइंड में रखते हुए ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें ये सब चीज़ें मौजूद हों कि जो हमें फाइंड आउट भी करना हो, जो उन्होंने हमें गिवन भी दिया हुआ है, फिर हम वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर हम वो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है जस्ट उससे हमें सेपरेट करना हो तो बाकी की वैल्यूज पुट करनी होती है. बहुत ही सिंपली एंड ईजीली हमारा आंसर हमारे पास होता है. तो एस इज इक्वल टू 1/2 gt². ऑलराइट, जी की वैल्यू हमें पता है, टी उन्होंने हमें दिया हुआ है, और जो एस है इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम ये किस तरह से करेंगे, लाइक यहाँ पे सिंपली हमें करना है लाइक इसकी जी की वैल्यू पुट की और टी हमारे पास क्या था, टी है. तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये टी स्क्वायर ही बन जाएगा. ठीक हो गया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.9t². तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा. हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल. अंडर व्हाट कंडीशंस एंड ऑब्जेक्ट विल हैव
ठीक है, कौन सी कंडीशन और जो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा उसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी लेकिन नॉन जीरो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो इसमें जीरो होगा लेकिन उसका डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो। और डिस्टेंस जीरो मतलब हो भी कैसे सकता है? ऑप्शंस उन्होंने हमें दिए हुए हैं, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर एंड ऑसिलेशन। तो अब हम इन सबको यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारा जो है गिवन कंडीशंस के मुताबिक फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो लीनियर में क्या है? डिस्टेंस तो है ऑफ कोर्स, नॉन जीरो है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नॉन जीरो है, दैट्स नॉट जीरो। अगर हम रैंडम केस में देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, दैट्स नॉट नॉन जीरो। ऑसिलेशन में भी सेम केस है, नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, मतलब कि जो जीरो, सॉरी सॉरी, जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं है हमारे पास इन सब में जिनमें हम बात की अभी। इनमें जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनमें नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जिसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन डिस्टेंस उसका नॉन जीरो हो। जब हम सर्कल को देखते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस, तो चलो ठीक हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसमें क्या है? वही ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए, लेकिन सर्कल में कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो इन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए तो यहाँ पे डिस्टेंस तो नॉन जीरो ही है हमारे पास, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे जीरो है हमारे पास, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पॉइंट के जिससे हम लाइक कंपेयर कर सकें कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे और लाइक हम अपना डिस्टेंस कवर कर लेंगे और ये शॉर्टेस्ट वे होगा, ये शॉर्टकट होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक हो गया, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।